थाना के दिघरा स्थित तिरहुत नहर पुल के पास इनेज 28 पर देर शाम दो ऑटो के आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक दर्जन यात्री घायल हो गए, इनमें से 8 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान कांडी थाना के लश्करीपुर निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र सहनी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर सदर थानेदार सुरेंद्र कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थानेदार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा गया है। डिगरा नहर पुल पर दो टेम्पू आपस में टकरा गई है, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और 4-5 अन्य व्यक्ति घायल हैं, जिनको पुलिस के सहयोग से सदर हॉस्पिटल इलाजरत हेतु भेजा गया है। एक मृतक कांटी के लश्करीपुर का है, जो जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है। क्या कुछ लगता है, बाकी की पहचान कुछ हो पाई है क्या? पहचान हुई है, कुछ लोग दुबहा बुजुर्ग के बता रहे हैं, कुछ जो टेम्पो पर सवार है विभिन्न जगहों का है, उन्हीं लोगों का है। ऐसे पुलिस जांच कर रही है, जांच के क्रम में जो भी लोग क्या है, मतलब तेज रफ्तार के कारण है। हाँ, तो यहाँ पर बराबर घटना घटती है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं जो कच्ची पक्की चौक से और दिघरा तक दोनों साइड जो गाड़ी लगाकर लोग अवैध रूप से खड़ा करे हुए रहते हैं, इस कारण दुर्घटना अधिक होती है। और हम लोग SDO साहब से लेकर सभी को इस माध्यम से पत्र भी दिए, लेकिन आज तक कोई अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते हम आम लोग परेशान हो रहे हैं। घटना इसको जाने दीजिए, हो रही है, जिसके कारण लोग मृत्यु के शिकार।